पब्लिक टीवी आपकी आवाज। हमारे बीच बड़ी तादाद में धरती पर हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं। प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी। अब मैं इमरान प्रताप जी और विनोद कुमार जी, विद्वान जी और जो भी हमारे साथी मोमेंटो लगा है, भारत मोमेंटो दीजिए। निश्चित तौर से बदलाव का दौर चल रहा है। मैं कह रहा था किसान दुखी है, परेशान है। आज रात रात भर किसान अपने खेतों का पहरा करने पर मजबूर है। आज महिलाएं दिन भर अपने खेतों का पहरा कर रही है, रात रात भर किसान अपने फसलों का पहरा कर रहा है और किसान अन्ना जानवरों से परेशान है। ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, बेमौसम बारिश में किसानों का फसल बर्बाद हुआ, लेकिन इस सरकार ने एक रुपया मुआवजा देने का काम किसानों को नहीं किया। आज किसान दुखी है और ये सरकार किसानों के साथ विश्वासघात करने का काम कर रही है। आज 70,000 शिक्षक भर्ती का नौजवान रोजी को गार्डन में धाने पर बैठा है, आरक्षण की मांग को लेकर बैठा है, लेकिन इस साल ऊपर डाका डालने का काम किया है। हम कहना चाहते हैं कि आज सभी परीक्षाओं के पेपर लगातार लीक हो रहे हैं। आपको यह बताना होगा, यह जताना होगा, यह की परीक्षा के पेपर लीक हो गए। मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? मंत्री कहते हैं क्या कि जो यूपी परीक्षा का पेपर लीक हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री जी, योगी जी के सरकार में दरोगा भर्ती का पेपर लीक हुआ, आपकी सरकार में शिक्षक भर्ती का पेपर लीक हुआ। उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है 350 के पास, और समाजवादी पार्टी दावा कर रही है ये लबरा की छबरा। आपके शहर में मेरे परिवार को संरक्षण दिया, उनको खड़ा किया। बंटवारे के बाद मेरे ससुर जी के पिता अपने परिवार को लेकर मुरादाबाद आए, यहीं से उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। यहाँ के हुनर, यहाँ के लोगों की मदद से, उनकी अपनी मेहनत से उन्होंने अपना जीवन बनाया, अपने बच्चों का भविष्य बनाया। आज मुझे यहाँ आकर बहुत गर्व हो रहा है और मैं आप सबको भी यहाँ इस सभा में आप सबकी भी सबका भी स्वागत करना चाहती हूँ। मुरादाबाद देश विदेश में पिता नगरी के नाम जाना जाता है। मुझे याद है शादी के बाद एक खुशहाल शहर था, समृद्ध था, तेजी से आगे बढ़ रहा था। यहाँ उस समय हवाई अड्डे बनने की भी बात होती थी और शहर को विकसित करने की बहुत बातें होती थी। उस समय ये सब हो क्यों पाया, क्योंकि आपके मेहनत के साथ साथ, व्यापारियों के मेहनत के साथ साथ, मजदूरों के मेहनत के साथ साथ आपके पास एक ऐसी सरकार थी जिससे आपका समर्थन किया।
जिसने आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको विकसित बनाने के लिए मदद किया। मुझे याद है उस समय एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हैंडीक्राफ्ट के लिए बनी, एक्सपोर्टरों को ड्रॉबैक मिलते थे, ब्याज की सब्सिडी मिलती थी। राजीव गांधी जी, मेरे पिताजी ने कारोबारियों के लोन भी माफ किए, टैक्स में भी मदद होती थी। उस तरह से यहाँ का कारोबार बहुत बड़ा, आपका ये शहर फूला फला आगे बढ़ा। आज स्थिति क्या है, आज हालात क्या है? जहाँ 8,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता था, निर्यात होता था यहाँ से, आज 2,000 करोड़ घट गया है। सिर्फ पिछले 5-6 सालों में 3 लाख कारीगरों की रोजी रोटी खत्म हो चुकी है। भाजपा की नीतियों ने कारोबार आपके भविष्य को बर्बाद किया। सबसे पहले तो नोटबंदी लागू की, इससे आपको बहुत संकट हुआ। आपको बताया गया कि देश के लिए काम हो रहा है, कि काला धन वापिस आएगा, सबको अच्छी तरह मालूम है कि क्या हुआ। उसी तरह से जीएसटी लागू की गई, जिससे आपकी कमर तोड़ी गई, निर्यातकों का ड्रॉबैक खत्म किया गया, ब्याज पर सब्सिडी नहीं मिलती, कारीगरों को बिहारी की बिहारी आदमी हुई, बिजली महंगी हुई, डीजल महंगा हुआ, कच्चा माल महंगा हुआ। उधर चीन तेजी से आगे बढ़ रहा था, जिस तरह से उन्होंने एक एक खूनों को लेकर पूरे शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उस तरह से हमें यहाँ पे भी बनाना चाहिए था। यहाँ पे सारी उपलब्धियों और सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए थी, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना चाहिए था, यहाँ पे पूरी तरह से मदद करनी चाहिए थी, ताकि आपका शहर भी विकसित हो पाए। ये सब नहीं हुआ। जेल नगरी बनाती है और जेल नगरी का चौपट राजा है। व्यापार आज पूरे प्रदेश में चौपट है, युवाओं का भविष्य चौपट है, खेती किसानी चौपट है, महंगाई से घर का बजट चौपट है। आपने देखा होगा 27 नवंबर को यूपी नेट की परीक्षा हुई, 22 लाख युवाओं ने मेहनत की, 2 सालों के लिए काम किया, क्या हुआ, पेपर आउट हो गया, परीक्षा रद्द की गई, भर्ती फिर से लटक गई। फिर से क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इस तरह से तमाम भर्तियां हैं। मैं ऐसे लोगों से बात कर चुकी हूँ, ऐसे युवाओं से बात कर चुकी हूँ जो 6-6 सालों से नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने 4-5 परीक्षाएं दे दी हैं, लेकिन आज तक उनको रोजगार नहीं मिला। यहाँ पेपर आउट हुआ नई बात नहीं थी, 12 परीक्षाओं में इस तरह से हुआ है, 10 लाख से अधिक सरकारी पद खाली पड़े हैं, लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। योगी आदित्यनाथ जी बयान देते हैं कि उत्तर प्रदेश में नौकरियां बहुत हैं, नौकरी योग्य युवा कम है। अब आप बताइए, जहां जहां मैं जाती हूँ मुझे ऐसे युवा मिलते हैं जिन्होंने बीए पास की है, किसी ने आईटीआई पास किया है, किसी को एमए भी हुआ है, और मुश्किल से संघर्ष करके मैं एक वाल्मीकि कॉलोनी में गई लखनऊ में, वहां एक महिला से मिली, उससे उन्होंने कहा कि मैं संघर्ष करके घरों में काम कर करके 4-5 हजार रुपए का वेतन लेके मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया, मेरी बेटी बीए कर चुकी है, आईटीआई पास है, आज तक दर दर भटक रही है, उसको नौकरी नहीं मिली। अगले घर में गई वही समस्या, अगले घर में गई वही समस्या। मैं कम से कम 10 परिवारों से मिली, उसी एक कॉलोनी में सबने मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाया, नौजवान मेरे सामने आया, उन्होंने सबने कहा कि हम दीदी हमने पढ़ाई की है, कहीं मैं रोजगार नहीं रहता। और योगी जी इस तरह के बयान देते हैं, ये सब क्यों हो रहा है? मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, भगेल जी यहाँ उपस्थित है, 2 दिन पहले भगेल जी बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश के कुछ व्यापारियों से, उद्योगपतियों से उनकी चर्चा चल रही है, तो उन उद्योगपति
बताया कि एक पोर्टल की जरूरत थी जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी से मिलना चाह रहे थे, लेकिन पिछले 4 सालों से उनको मिलने का मौका नहीं है। तो मैंने जी से मैं बात कर रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 4 सालों से कोई अपनी समस्या को लेकर भटक रहा है। उद्योगपति है, व्यापारी है, प्रदेश को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, कैसे हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी इनके लिए समय नहीं बना रहे हैं। तो महेंद्र जी ने मुझे बात कही जो मेरे मन में रही। उन्होंने कहा, देखिए दीदी, हमारी सांप्रदायिकता पर आधारित राजनीति और जातिवाद पर आधारित राजनीति इतनी भयानक है कि मुख्यमंत्री भी जानता है कि लोगों की समस्याओं का हल करने के बजाय चुनाव के समय आएगा, धर्म की बात करेगा, जाति की बात करेगा, चुनाव जीत के निकल जाएंगे और उनको कोई जवाब दे ही नहीं, पब्लिक जवाब देगी नहीं मांगेगी अपने नेताओं से, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। जब तक वोट विकास के आधार पर नहीं डरेगा, जब तक आप ये सवाल नहीं करेंगे कि मेरे गांव में, मेरे लिए, मेरे शहर में आपने 5 सालों में क्या किया, जब तक ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण नहीं होगा, तब तक इसी तरह की राजनीति में आप फंसे रहेंगे, माफियाओं के दलदल में फंसे रहेंगे। मुझे आश्चर्य हुआ, मैं जब UPI जमीन की माफिया, नदी की माफिया, भालू की माफिया, पढ़ाई की माफिया, इम्तिहानों की माफिया, जहां देखो माफिया ही माफिया है, आपसे हफ्ता लिया जाए। ये हालात है आपके प्रदेश के, ये हालात आप बदलोगे कैसे? मुझे बहुत बड़ी शिकायत है आपसे, जब तक आप इस तरह की राजनीति के घेरे में फंसे रहेंगे तब तक कोई बदलाव नहीं आने वाला है। नेता के बाद नेता यहाँ मंच पर खड़े होकर फिजूल की बातें करेगा, आपको तरह तरह के वचन देगा, लेकिन उसको दिल में मालूम होगा कि उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। इसीलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है, आप नेताओं को जिम्मेदार बनाओ, सिखाओ उनको कि ऐसा नहीं करेगा। मंच पर आकर खोखले वचन बनाए, 5 सालों के लिए आप कुछ नहीं करें, ये नहीं चलेगा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को सिर्फ और सिर्फ विकास के आधार पर लड़ना चाहती है। हम लाख रोजगार दिलवाएंगे, हर जिले में हम उद्योगों के हब लगवाएंगे। ये प्रतिज्ञा इसलिए है क्योंकि खोखला वचन नहीं है। आपको मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किस तरह से उन्होंने वचन दिया और 2 घंटे के अंदर अंदर कर्ज माफ किए। उन्होंने आपको बताया कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस की सरकार 2500 रुपए क्विंटल धान खरीद रही है। तो ये कोई कल्पना नहीं है, ये सच्चाई है। अगर हम कह रहे हैं हम करके भी दिखाएंगे। देखिए, किसानों ने जो आंदोलन किया इससे एक बहुत बड़ी बात आगे आई है कि जब आप मन बना लेते हैं, जब आप अटल रहते हैं, आप अटल बन जाते हैं, तो सरकार को झुकना पड़ता है। सरकारों ने, किसानों ने त्याग दिया, 700 से अधिक किसान शहीद हुए। उन 700 शहीदों के लिए प्रधानमंत्री जी 2 मिनट के लिए भी संसद में मौन नहीं रहे, 2 मिनट का मौन नहीं किया, संसद में चर्चा भी नहीं की उन कानूनों पर जिन कानूनों को रद्द करने जा रहे थे। लखीमपुर के फेरी में नरसिंहाल हुआ, किसानों को अपनी जीप के पहियों के तले मंत्री के बेटे ने कुचल कर मार डाला। प्रधानमंत्री जी ने एक लफ्ज नहीं कहा, योगी आदित्यनाथ जी ने एक लफ्ज नहीं कहा, बल्कि कुछ दिनों पहले लखनऊ आए, उनके साथ मंच पर वही मंत्री खड़े थे, आज भी मंत्री हैं,
उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया? अगर उन्होंने उन परिवारों से बात करने की कष्ट की होती जिनके बच्चे शहीद हुए, उन विधवाओं से जिनके पति शहीद हुए, तो उनको पता चलता कि वो परिवार क्या महसूस कर रहे हैं, किस संकट से गुजर रहे हैं। और उनकी एक ही गुहार है कि जब तक ये मंत्री पद पर रहेंगे तब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ न्याय चाहिए। मैं ऐसे परिवारों के पास गई हूँ जिनके पास कुछ नहीं है, वो कहते हैं मुआवजा नहीं चाहिए मुझे, पैसे नहीं चाहिए दीदी, न्याय चाहिए, अपने बेटे के लिए न्याय चाहिए। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि जो सबसे बड़ी बात किसान आंदोलन से ये निकली है कि शक्ति आपके हाथों में है, इस शक्ति को पहचानिए। इन तीन काले कानूनों के अलावा किसानों की बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिनको सरकार बार बार नकार रही है। आप ही को मालूम है कि गन्ना का कितना आपको भुगतान मिला, अभी भी 4,000 करोड़ का भुगतान बचा है। नरेंद्र मोदी जी का एक हवाई जहाज जो उन्होंने पिछले साल खरीदा, कोरोना के समय खरीदा, 8,000 करोड़ का है। एक हवाई जहाज जिसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी जी बैठ के घूमते हैं, 8,000 करोड़ का है। आपका पूरा गन्ना का भुगतान 4,000 करोड़ का है। संसद के सुंदरीकरण में जो अच्छा खासा संसद है 70 सालों से चला आ रहा है, एक ऐतिहासिक इमारत है, उसके सुंदरीकरण करने के लिए ये लोग 20,000 करोड़ खर्च सकते हैं, आपके लिए कुछ नहीं दे सकते। आपके कर्ज माफ करने की बात होती है तो चुप हो जाते हैं, कहते हैं कि पैसा नहीं है। आज खाद की लाइनों में किसान अपना दम तोड़ रहे हैं। मैं ललितपुर के 4 परिवारों से मिलने गई, 2 किसानों ने खाद की लाइन में खड़े होते हुए दम तोड़ा, और 2 ऐसे किसान थे जो इतने समय के लिए खाद की लाइन में खड़े रहे और खाद खत्म हो गई, मायूस होकर घर आए, आत्महत्या कर ली। उनकी छोटी छोटी सी बच्चियों ने मेरे से बात की कि दीदी हम क्या करेंगे, डीजल का दाम आसमान छू रहा है, आपको MSP के कम दाम में आपसे धान और गेहूं खरीदा जा रहा है। हमारी ये प्रतिज्ञा है कि छत्तीसगढ़ की तरह यहाँ पर भी 2500 रुपए में धान खरीदा जाएगा, यहाँ पर भी गेहूँ 400 रुपए क्विंटल में खरीदा जाएगा, यहाँ पर ये गन्ना 2500 में गेहूँ और धान और 400 में गन्ना। किसानों के लिए हमने तय किया है कि आपका पूरा कर्जा हम माफ कराएंगे। देखिए महंगाई बहुत ज्यादा है, मैं जानती हूँ कि आप कितना तड़प रहे हैं महंगाई की वजह से। ये मेरी महिलाएं बैठी हैं, ये लोग सोचते हैं कि आपको एक गैस सिलेंडर पकड़ाकर आपके प्रति पूरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। इनको दिखाइए कि जब तक आपको पैरों पे खड़ा करेंगे नहीं, जब तक आपको सशक्त नहीं बनाएंगे, आपको मजबूत नहीं बनाएंगे, तब तक आपका वोट उनको नहीं मिलेगा। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, महिलाओं को आगे बढ़ाओ। ये महंगाई की मार किसानों पर है, गरीबों पर है, दलितों पर है, लेकिन सब वर्गों में इनका बोझ आप उठाती हैं। मैं जानती हूँ कि आप कितना संघर्ष कर रही हैं, बिजली कितनी महंगी हो गई है, आटा, मोबाइल का डेटा, जीवन बीमा, सरसों का तेल, पेट्रोल, डीजल, हद से ज्यादा महंगाई है। आपको बड़े बड़े बिल मिलते हैं, मैंने देखी है ये बिल। महिलाएं मुझे कहती है कि हमने तो बिजली और ही नहीं की, हमने यहाँ बिजली आई ही नहीं, फिर भी हमें इतनी बड़ी बिल मिल रही है। आप सब यहाँ पर, ये एक ऐसा शहर है जहाँ उद्योग है, आप सब जानते हैं कि बिजली का कमर्शियल रेट कितना है और इसकी वजह से कितना नुकसान हो रहा है। आपको कहा गया था
मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। क्या बना? केवल एक ही चीज स्मार्ट है, स्मार्ट मीटर और स्मार्ट रूट। और मैं बहनों को कहना चाहती हूँ कि आपको सशक्त करना चाहते हैं, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, मैं आपको आगे बढ़ाना चाहती हूँ। 40% मैं कह रही हूँ कि 40% टिकट महिलाओं को मिलने चाहिए। क्यों कह रही हूँ? मैं अपनी बहनों की बहन चाहती हूँ। महिलाओं को कुचला जा रहा है और कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई आवाज नहीं उठा रहा है, कोई आपको आगे बढ़ाने की बात नहीं कर रहा है। सब विज्ञापनों में है, सब सिर्फ विज्ञापनों में है। असली सवाल यह है कि आपकी भागीदारी राजनीति में क्या है? आपके लिए लड़ने वाली महिला कैसे आगे बढ़ेगी? तो 40% आप जब टिकट लेंगे कांग्रेस से, ठीक है, हो सकता है पहली बार थोड़ी आप ऐसे कुछ लोग जीते, हो सकता है कि कुछ ना जीते, कोई बात नहीं, सशक्त बनेगी, अगली बार जीतेगी, अगली बार फिर से मौका मिलेगा और ज्यादा मौका मिलेगा। यहाँ नौजवान लड़कियां हैं, आप सहना नहीं चाहती, सच बताओ, सहना चाहती हो कि लड़ना चाहती हो? अपने हकों के लिए लड़ना चाहती हो या अत्याचार सहना चाहती हो? लड़ना चाहती हो ना? ये स्कूटी किसके लिए है? स्मार्टफोन किसके लिए है? आपको मिलेगा। आप महिलाओं को सशक्त बनाओ। ये जितनी भी राजनीति है, ये जितनी भी जातिवाद पर आधारित, ये सांप्रदायिक राजनीति सब खत्म हो जाएगी आप खड़ी हो जाएंगी तो। आपकी शक्ति को कोई पहचान नहीं रहा है। 50% आबादी है, 50% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। सशक्त बनो, अपने हक के लिए खुद लड़ो, कोई नहीं आएगा तुम्हारे लिए लड़ने के लिए, तुम खुद लड़ोगी और मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। किसानों का रोज रोज अपमान किया,
मुझे माफ करिए। क्यों माफ कर रहे हैं आप? क्यों माफ कर रहे हैं? इंसाफ मांगिए। कोरोना काल में लापरवाही हुई, किसने भुगता, किसके परिवार उठले? आपने इंसाफ मांगा, हिसाब मांगो। आपको अगर डिलीवरी चाहिए, आगे बढ़ना चाहते हैं आप, राजनीतिक दलों और उनके नेताओं से अपना रिश्ता बदलो, उनकी असलियत पहचानो, उन्हें अपने प्रति जवाबदेह बनाओ, उनसे हिसाब मांगो। मैंने सुना है कई लोग कहते हैं कि भाजपा को फूट कराकर फिर से जीतेगी। क्यों? क्योंकि असलियत ये है कि जिनको आज मुख्य विपक्ष माना जा रहा है, वे विकास का एजेंडा सेट नहीं कर रहे, वे भी इसी तरह की राजनीति करना चाहते हैं। सपा ने भी जाति और धर्म की ही राजनीति को आगे बढ़ाया है। सपा सरकार ने जातिवाद और गुंडई, और बस बसपा में आपने रूप देखा है। तो स्वाभाविक है, विकास की बात नहीं होगी, आपके मुद्दे उठाए नहीं जाएंगे। आपने समाजवादी का नारा दिखा है, नया नारा सुना है, आ रहे हैं अखिलेश। मैं पूछना चाहती हूँ, सीए और एनआरसी के कानून बने हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं बिजनौर गई। बिजनौर में 19 साल का लड़का अनस दूध बेचता था, उसकी नर्म हत्या की गई। दूसरे घर में गई एक लड़का सुलेमान, मस्जिद के बाहर खड़ा था, पुलिस ने गोली मारी, उसकी हत्या कर ली, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या अखिलेश जी आए? उन्हें नरसिंहार हुआ, 13 आदिवासियों की मौत हुई, उनको पीटा गया लाठियों से, उनकी उनको गोली मारी गई, क्या अखिलेश जी आए? उन्नाव और हाथरस में क्या हुआ? मेरी बहनें बैठी हुई हैं। उन्नाव और हाथरस में महिलाओं पर अत्याचार हुआ, उनको जलाया गया, क्या अखिलेश जी आए? किसानों के आंदोलन में लखीमपुर खेरी में नरसिंहार हुआ, जैसे मैंने कहा, आप सब ने देखा वो वीडियो, जीप के नीचे किसानों को कुछ लाकर दिया, क्या अखिलेश जी आए? तो आप चुनाव के समय क्यों आ रहे हैं? चुनाव के समय उनकी पार्टी और वो अचानक जीवित क्यों हो रहे हैं? पिछले 5 सालों से कहां थे, जब कांग्रेस सड़कों पर लड़ रही थी, जब कांग्रेस के 18,500 से ज्यादा कार्यकर्ता जेल में बैठे थे, जब हमारे अध्यक्ष 28 दिन के लिए कोरोना के समय जेल में थे, तब समाजवादी के नेता कहां थे? तब समाजवादी के कार्यकर्ता कहां थे? तब अखिलेश जी कहां थे? उस समय अखिलेश जी क्यों नहीं आए? मैं पूछना चाहती हूँ, जब दलितों पर अत्याचार हुआ, हाथरस में हुआ, आगरा में हुआ, अभी हाल में खापामों इलाहाबाद में मैं गई थी, दलित परिवार पर अत्याचार हुआ, उनको चारों को माँ बाप बेटा 10 साल का बेटा जो जिसको ठीक से सुनाई भी नहीं देता था, और 15 साल की लड़की का बलात्कार करके उन सब की हत्या की गई। मैं पूछना चाहती हूँ, बसपा के नेता कहाँ थे? उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? जब वो बयान देते हैं तो ऐसा क्यों लगता है कि भाजपा जैसा ही बयान दे रहे हैं? क्योंकि सब अंत में ये सोचते हैं कि आपकी समस्याएं, आपके दुख, आपका दर्द, आपकी पीड़ा, आपका संघर्ष से उनकी राजनीति से कोई मतलब नहीं है। सब सोचते हैं कि वे सांप्रदायिकता के
जाति के आधार पर आपसे वोट मांगने आएंगे, आप देखेंगे कि आपके प्रतिनिधि हैं, आप पूछेंगे आपकी जाति के आपके धर्म के, आपसे वोट मिल जाएगा और उनको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। ये सोच आपको जबरदस्ती बदलवानी है। आपका संघर्ष है जिसने देश को बनाया है, किसानों की शहादत ने इस देश को बनाया है। हमें आजादी किसानों ने दिलवाई, आपके पूर्वजों ने दिलवाई। जितने भी बड़े नेता आजादी के समय आंदोलन में थे, तब आप ही में से आए। ये टाइम आएगा, हम राज करेंगे, हम लूटेंगे, 5 साल बाद आकर हम फिजूल के मुद्दे उठाएंगे और हम फिर से राज करेंगे। इस सोच को बदलिए, टाइम आपका है, समझदार आप हो, विवेक आप में है। इस देश को बदलना है, अपने प्रदेश को इस खाई में से निकालना है, तो आपको मजबूत बनना पड़ेगा और आपको बहुत समझदारी से अपना वोट देना पड़ेगा। तो आज मैं यहाँ इसलिए आई हूँ, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मैं आपको मौका देना चाहती हूँ राजनीति को बदलने का। मैं अपनी बहनों को मौका देना चाहती हूँ और आप सबको कि राजनीति को विकास पर आधारित बनाओ, अपने नेताओं को जिम्मेदार बनाओ। ये देश आपका है, किसी की जागीर नहीं है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।